कॉल्स का ये सैशन है, तुहाडे सवालों के जवाब हुणे ही दिते जाणगे। वट एवर इज़ योर कंसर्न विल गिव यू सोल्यूशंस नाउ। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि जिहड़े भी वीर भैण भरा अमरीका जाना चाहते ने, वो हुणे ही इस नंबर के उत्ते कॉल करके साडे नाल संपर्क करो और अपना अमरीका जाण संबंधी कोई भी सवाल है तुहाडे कोल, ये सवाल तुसीं सानू पुछो, असीं तुहानू सवाल दे जवाब देने की कोशिश करांगे। सारे सवालों के जवाब नहीं दिते जा सकते क्योंकि हर किसी का वक्खरा वक्खरा कंसर्न होंदा, बट फिर भी मेरी कोशिश होएगी कि मैं वध तो वध तुहाडे सवालों के जवाब देने की कोशिश करा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, क्यों लोग चाहते हैं, वाइट्स गेटिंग पॉपुलर। अज भी पूरी दुनिया चो सब तो ज़्यादा दुनिया चो पढ़न वाले बच्चे अमरीका ही जाते हैं, क्यों जाते हैं, इन्हां टॉपिक्स ते गल करांगे। किद्दां तुसी 100% वीजे तक पहुँच सकते हो। साडी कंपनी की पॉलिसी सीगी, असी हर एक नूं वेलकम करते सीगे। असी जिन्ना मर्जी तुहाडा गैप है, जिन्ने मर्जी तुहाडे नंबर कट ने, जिन्नी मर्जी हरी वीज़ा रिफ्यूज़ है, असी तुहानू सोल्यूशन देंदे सी वी किद्दां तुसी काम कर सकते हो। असी अज तुहानू ये दसांगे कि अमरीका तक किद्दां पहुँचा जा सकता। पैसे नहीं लगते US वीज़ा लई, सिर्फ प्रैपरेशन की लोड़ है। ज़्यादा नहीं तो 6 महीने साल लग जाते एक जैनुअन बच्चे नूं अमरीका दे वीज़े की तैयारी करदे करदे। जिस बच्चे का वीज़ा लग जाता वो अपनी खुशी जाहर करता, जिहदा नहीं लगता वो मायूस होकर घर बैठ जाता। US वीज़ा लगन पिछे बहुत सारे रीज़न होंदे आ, US वीज़ा रिफ्यूज़ होने पिछे भी बहुत सारे रीज़न होंदे। अगला अद्धा घंटा कोशिश करांगे तुहाडे नाल जुड़िए, अमरीका दीआं गल्लां करिए कि एजुकेशन की इहदा फायदा वा। असी अज किसी भी तरह की कोई भी कॉल्स कैनेडा नाल संबंधित नहीं लवेंगे, आस्ट्रेलिया नाल, होर किसी भी कंट्री की गल नहीं करांगे, एक्सक्लूसिवली US की गल करांगे। US दे विच जा के बच्चा चंगी सिक्ख्या तक पहुँचता। असी ब्रांडेड चीज़ां खरीदते हाँ, ब्रांडेड चीज़ां यूज़ करते हाँ, इस तरीके नाल ब्रांडेड एजुकेशन की गल होगी। अज अमरीका दे विच 3 तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होंदियां, 3 तरह का प्रोवाइडर है अज जे तुसी पढ़न जाना। सब तो पहले नंबर ते आंदियां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, फस्ट नंबर ते आंदियां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। दुनिया दियां टॉप दियां तुसी 10 यूनिवर्सिटीज़ कर लो, वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, वो 10 दियां 10 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट ने, वो सरकारी यूनिवर्सिटियां नहीं है। दुनिया दे विच एजुकेशन शुरू हुंदी है अमरीका तो। थोड़े दिन पहला भी मैं पोस्ट पाई सी कि दुनिया दियां 10 टॉप दियां यूनिवर्सिटियां दे विचों 8 यूनिवर्सिटियां अमरीका दियां, 2 यूनिवर्सिटियां इंग्लैंड दियां। चंगी सिक्ख्या लीजिए, तुसीं बाहर जाना चाहते हो, US विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एक चंगी बैचलर डिग्री करके तुहानू मजदूरी नहीं करनी पएगी, तुसी लो कॉस्ट जॉब नहीं करोगे, तुहानू गड्डियां नहीं धोनियां पैणगियां, तुसी छोटियां नौकरियां नहीं करोगे। अज पूरी दुनिया दे विच अमरीका दी क्वालिफिकेशन दी वैल्यू है। कल नू तुसी पढ़ के इंडिया भी आंदे हो, इंडिया च भी तुहानू स्कोप हैगा। जिदां दे डिप्लोमे साडे बच्चे कनेडा च करदे ने, आस्ट्रेलिया च करदे ने, उन्हां डिप्लोमिआं दी इंडिया दे विच कोई वैल्यू नहीं हैगी। वैल्यू किस चीज़ की है? बैचलर डिग्री की है, पढ़ने वाले बच्चे की है। दुनिया दिया टॉप दिया यूनिवर्सिटियां तुसी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री करन जाना, साल दी फीस $50,000 तो शुरू होंदी है। $50,000 अज 80 रुपये में पहुँच गया, 40 लाख रुपया साल दी तो ट्यूशन फीस होनी है, तो 20 लाख रुपया रोटी पानी खाने लिए चाहिए। 50 से 60 लाख रुपया साल का खर्चा होंदा जिस बच्चे ने बैचलर डिग्री करनी है 4 साल की, वो पढ़ाई 2-2.5 करोड़ रुपया खर्चा आ जाता।
उस पढ़ाई की वैल्यू है। दूसरे नंबर पर आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज स्टेट फंडेड होती हैं, जिथे पढ़ाई का खर्चा साल का 20,000 डॉलर होता है, विच इज़ अगेन 16 लाख रुपया। तीसरे नंबर पर आते हैं कम्यूनिटी कॉलेज, जिथे साल की पढ़ाई का खर्चा 10,000 डॉलर होता, 10,000 डॉलर बने 8 लाख रुपया। हुण 8 लाख रुपए तो लैके 60 लाख रुपए तक की पढ़ाई अवेलेबल है साल की अमरीका। तुसी 8 लाख रुपया सालाना भी दे सकते हो, तुसी 60 लाख रुपया सालाना भी दे सकते हो। की फायदा इस पढ़ाई का? इस पढ़ाई नू पढ़ के दुनिया दे विच किते ना किते कोई अचीव करोगे, अपने माँ बाप का नाम, अपने पिंड का नाम रोशन करोगे। फर्क की हुंदा कि जदों भी असी विदेश दे विच पढ़न लई जांदे असी पढ़ाई दे पैसे दिंदे आ, साडे लोग उहनू समा समझ लेंदे आ कि सानू ये वीज़ा मिल गया, इन्ने टाइम का मिल गया। साडे लोग पढ़ाई दे नाल मजदूरी वाले पासे पै जांदे आ कि मजदूरी करके पैसे कमा लीए, टैक्सी चला लीए। असी भुल जाने कि असी जिंदगी का प्रीशियस टाइम कढ के अज विदेश आए हाँ, पैसे असी 4 गुणा दते है, हुण जिहड़ी पढ़ाई दे असी पैसे दते वह पढ़ तां लईए। तुसी 5-स्टार होटल च चले गए रोटी खाण, तुसी आर्डर भी करता, पैसे भी हैगे तुहाडे कोल, तुहाडा खाना भी आ गया, हुण उहनूं खाणे नूं खा तां लईए। असी पैसे देते चीज़ां असी फिर सुट्टी जा रहे हैं। जे तो साडा मकसद सिर्फ 5-स्टार होटल तक जाना ही सीगा तो फिर आप ऑर्डर क्यों करता उत्थे। सो 3 तरह के एजुकेशन प्रोवाइडर है अमरीका। पहले नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर सरकारी यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर कम्यूनिटी कॉलेज। मैं थोनों अज ये दसागा भी ये वीजे 100% कि मिलेगा थोनों। लोगों को डर लगता कि नहीं नहीं हाए हाए इंटरव्यू जी आना, इंटरव्यू तो होंगी नहीं, क्लीयर नहीं होंगी। मैं कोई इंटरव्यू की गल नहीं करता पाया, मैं अब सल्यूशन दूंगा कि तुम वीज़े तक कि पहुँचना है। अमरीका का वीज़ा दुनिया च सब तो औखा वीज़ा समझा जाता, दूसरे पास सब तो सौखा वीज़ा वा। की चाहिए वा? तुम जिस कंट्री पढ़न चले हो उस मुल्क जी एजुकेशन है वह अंग्रेजी के अंग्रेजी मीडियम च पढ़ाया जाता, उत्थे पंजाबी नहीं चलती। इस करके जिदा तुम पंजाबी बोलते हो, जिदा के माहौल तुम पंजाबी बोलते हो, जिनी फ्लूएंसी तुहाडी पंजाबी दे विच है उन्नी फ्लूएंसी तुहाडी अंग्रेजी दे विच होनी चाहिए है। तो वीज़ा मिलना तुसी अपने सारे दिन की रूटीन पंजाबी बोल के कट दे, जे तुहाडे सारे दिन की रूटीन अंग्रेजी निकलती है फिर वीज़ा लगना। दूसरे शब्दों कि जे तुहाडे 6.5 बैंड है फिर कोई चांस बनते हैं वीजे के। जे तुहानू अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तुसी सोचते हो भी तुसी इंटरव्यू की तैयारी कर लोगे या असी तुहानू तैयारी करा देंगे या कोई एजेंट तुहानू तैयारी करा के वीज़ा ले देगा, विच इज़ नॉट पॉसीबल। अज दुनिया दे विच टॉप दी कंट्री चंगी सिक्ख्या तक पहुँचना वा यू नीड टू स्कोर 6.5 बैंड। नहीं आते ना अपलाई करो, आपके पैसे ना खराब करो। तुहाडा काम बैंड लेना, तुहाडा काम अंग्रेजी की नॉलेज लेना, दाखला कराना मेरी जिम्मेवारी है। मैं दुनिया दी टॉप यूनिवर्सिटी दाखला करा के दूंगा। साडी कोशिश होएगी एटलीस्ट टॉप 100 दे विच तुहानू दाखला जरूर लैके दईए। साडा इंडिया का नंबर जाके 200 नंबर तो शुरू हुंदा। चंगी सिक्ख्या पढ़ोगे कल नू नौकरी मिल जाएगी। मिनीमम जां जे पैकेज गल करां तां 50 लाख रुपए तो तनखा शुरू हुंदी है। अज जिहड़ा बच्चा बैचलर डिग्री करन जा रहा या मास्टर डिग्री करन जा रहा, जदों नू पढ़ाई कंप्लीट होएगी उहदी उम्र 20-22 साल होएगी। 17-18 साल का बच्चा बाहर चले जाता, 20 तो 22 साल की उम्र के विच किहड़ा बच्चा वा जिहड़ा 50 लाख रुपया कमा लेगा? विच इज़ नॉट पॉसीबल। ये अपरचुनिटियां तां मिलदियां जे कोई चंगी सिक्ख्या होएगी तुहाडे कोल, चंगी क्वालिफिकेशन होएगी तुहाडे कोल, एक्सपोजर होएगा। अज दुनिया दियां 500 टॉप यूनिवर्सिटियां दी लिस्ट बना लईए, 450 अमरीका दियां। वर्ल्ड दियां टॉप 500 फॉर्चून कंपनियां दी लिस्ट बना लईए, 450 अमरीका दियां। दुनिया दे अमीर बंदियां दी लिस्ट बना लईए, उहदे विच मार्क जकरसबर्ग दा नाम, उहदे विच जैफ बेजोस दा नाम आंदा, उहदे च ईलन मस्क दा नाम आंदा। क्यों आंदा है? कि ये बाहरों आए हुए है कितों? ये उगे नहीं होए कि इन्होंने भी साढ़े वगू जन्म लिया वा, इन्होंने चंगी सिक्ख्या ली है।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਖੇਲੋਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਜ 100 'ਚੋਂ 99 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 98 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੇਡ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 100 'ਚੋਂ 98 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੁਕਾਨ ਕੋਠੀ ਲੈਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਓ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਵਾਉਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੂ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 5-5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ 7 ਬੈਂਡ? ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਮਾੜੇ ਕਾਲਜ, ਮਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਾੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਿਆਣਾ ਉੱਤਰਦਾ, ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਕੀ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਵਾ, ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੈਸਟਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਾਉਣੀ, ਹੂ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ PR ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ PR ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਲੰਟਰੀ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਟ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਪੋਰਚੁਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ? ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਗੂਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ।
क्यों अमरीका अगे है, वाई दे आर नंबर वन इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी मैटर्स। अज सारी की सारी पढ़ाई फ्री करती उन्होंने, की दें असी कुछ भी नहीं देंगे पढ़ाई के नाते। तुहानू पता एक बच्चे की पढ़ाई के उत्ते अमरीकन गौरमेंट अमरीकन यूनिवर्सिटियाँ एवरेजली $20,000 खर्चते एक बच्चे दे। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का मैं तुम्हें दाखला करा के दे रहा जिथे की फीस $8,000 $10,000 $15,000 है साल की, एवरेजली दे आर पुटिंग $20,000 ऑन ईच स्टूडेंट। एक बच्चे पढ़ाने लिए $20,000 खर्चा जा रहा, क्यों खर्चा जा रहा? Why they are putting this much money on your education? Because they are looking quality. वो कुछ नवा आजाद करना चाहते हैं, they want to invent new things. किन्ने invent कर रही हैं? दिमाग ने, brain ने। दिमाग कित्थे है? अज चंगा डॉक्टर जिदा ही कोई डॉक्टरी कर लैंदा कित्थे जांदा, नाल ही उन्हें अमरीका वाले खिंच लैंदे। चंगा इंजीनियर कित्थे जांदा, अमरीका जांदा। क्यों अमेरिका हर एक पढ़े लिखे बच्चे चुक लैंदा, पैसे कोलों ला देंदे है, क्यों लाते हैं? दे वॉन्ट टू इनवेंट। वो दुनिया से अज राज करते पे है। हर ट्रेड $US दे विच क्यों हुंदा? क्यों नहीं इंडियन करंसी दे विच ट्रेड हुंदे? क्यों नहीं चाइनीज़ करंसी दे विच ट्रेड हुंदे? अज टेक्नोलॉजी बनाई है उन्होंने। असी आ एक फेसबुक के माध्यम के नाल हज़ारा बंदियां दे नाल कनैक्ट हो जाने हैं। कितों आईया ये सारिया चीज़ा? थोड़े जे दिमाग ला के देखो पढ़ाई की वैल्यू। जे अजे मैं बाल भी कटाए है ना, जे मेरे वालों मैं तेल भी लाना, जो कोई चीज़ भी असी करते भी एक टेक्नोलॉजी है। असी कपड़े पाने, कपड़े भी टेक्नोलॉजी ना बनते पे आ, ब्रांड कितों आते है? बंदा तो जंगलों के रहा हों, आदिवासी से असी लोग। हू मेड अस जेंटलमैन? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एजुकेशन। हर चीज़ दुनिया की तुहाडे संस्कारां दे उत्ते बेस्ड है। मैं नहीं कहता साडे मुल्क च कुछ नहीं हैगा, तक्षशिला सीगा साडे मुल्क दे विच वी। पूरी दुनिया की जिहड़ी पढ़ाई सीगी उह तक्षशिला च पढ़ाई जांदी सी। अज साडियां सभ्यतावां भी बहुत अगे है, बट मुद्दा की है? मुद्दा यह भी असी पढ़न तां जांदे ही नहीं, असी चंगी सिक्ख्या वल तां देखदे ही नहीं, भेड़ चाल वाले पासे लगे। हर इंसान चाहता उहदा बच्चा कामयाब होवे। फिर जदों बाहर जाण दी वारी आती, असी क्यों अपने बच्चे दी पढ़ाई दे नाल कॉम्प्रोमाइज़ कर लैंदे आ? लोग सानू आके कहिंदे बच्चा कढ़ना कनेडा नू, कढ़ना क्यों? कढ़ना भी तुसीं कनेडा नू, इहनू कढ़न लई जम्मिया सी तुसीं। सुखना सुख के असी औलाद मंगदे आ, और जो रोज़गार की वारी आती असी हाथ खड़े कर दें कि नहीं। सरकारा नौकरियां नहीं दिंदियां, सरकारा रोज़गार नहीं दिंदियां। लायक है हो तुसी नौकरी दे, कितनी वधिया पढ़ाई पढ़ी है तुसी, किन्ने नंबरां नाल तुसी पास होए हो? तुहानू पता पंजाब दा साडा एजुकेशन लैवल की है? हिंदुस्तान च असी किन्नवे लैवल ते आने हैं? 60-70% तो उत्ते नंबर नहीं आते एवरेज लोगों के। असी लोग पढ़ना नहीं चाहते, असी लोग चीज़ा चाहते हैं भी सानू सारिया चीज़ा मिल जाए। अज कंपीटिशन का दौर है, 150 करोड़ की आबादी है साड़ी, 150 करोड़ चो कौन अगे निकलेगा जिदे कोल चंगी सिक्ख्या होएगी? ढाबा किदा चलता वा जिदी रोटी स्वाद हुंदी है? व्यापार किदा चलता वा जिहड़ा बंदा मेहनत करता वा? वो समा होर सिगा पहला, अज कंपीटिशन का दौर है। आपके बच्चे नू चंगी सिक्ख्या दोगे फिर कामयाब होएगा, नहीं तो दिहाड़ियाँ ही लाएगा। अज पूरी दुनिया नू मजदूर चाहिए ने, बट असी मजदूर बन के बाहर नहीं जाना। असी भी वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, किदा मिलेगी जदों पढ़ांगे? कोई साल की फीस तार के जा रहा, कोई 2 साल के कोर्स जा रहा, कोई 3 साल की डिग्री जा रहा। जरूर जाओ, जिहदे कोल थोड़े पैसे है सस्ते कॉलेज चले जाओ, पढ़ तो लो। जिस चीज़ के पैसे दे रहे हो वो सिक्ख्या का हासिल कर लो। किसी भी तरह का होर तुहानू US एजुकेशन नाल संबंधित सवाल हैगा, मैं 2 घंटे वास्ते ऑफिस चा, मैं तुहाडे सारे सवालों के जवाब दूंगा, 1-to-1 कॉल लूँगा। जिन्हां नू ये डर लगता ना कि वीज़ा नहीं लगना, वीज़े की जिम्मेवारी मेरे ते छड्ड दिओ, तुसीं वीज़ा मैं लैके देऊंगा,
वीजा नहीं रिफ्यूज होगा तुहाडा। की चाहिए आप? 6.5 बैंड चाहिए आ अंग्रेजी दे विच। नहीं आते कोई गल नहीं, 6 तो 6 तो भी लै लूँगा। तुसी अंग्रेजी वधिया बोल पाते हो कि तुसी कम्युनिकेशन कर सकते हो कि गोरे दे नाल? कि तुहानू पता वा अमरीका कित्थे है? 6 महीने लगते तैयारी करन नू। असी सुते उठ के कह देने नहीं नहीं अमरीका की इंटरव्यू नहीं क्लीयर होंगी, वो तो दिंदा ही नहीं वीज़ा। लिखना लिखूगा नहीं, I-20 मंगानी है तो सौखा ही बड़ा काम है, कोई भी मंगा लूगा। रिजल्ट की गल करांगे। एक बच्चा बाहर चले जाता ना, उस परिवार के 100 जी घट्टो घट माण महसूस करते हैं। अमरीका च पढ़ता बच्चा तुहाडा, कितनी टौहर बनती तुहाडी? इतने तो लोग बार्डर टप के जाते, 50-50 लाख रुपया दे के जेलों के रेंदे, वो नहीं माण होंगे? तुसी तो वीजा लैके इज्जत ना चले हो, जहाज च बह के चले हो अमरीका। अज तो 15 साल पहला भी अमरीका जाने के लोग 30-40 लाख रुपये एजेंटा देंगे सी। अज की चाहिए? तुसी एक गरीब फैमिली बिलोंग करते हो, रिसोर्स नहीं है, पैसे तो उत्तर जाके देने होंगे है, पैसे तो मंगती नहीं अमेरिकन एजुकेशन। थोड़ा बच्चा लाएगा अगले फ्री भी लै जूगे। की चाहिए? कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। थोड़े 6.5 बैंड है, डोंट वरी, मेरे ना इस नंबर से संपर्क करो, वीजा मैं लगा के दूंगा। तुसी डॉक्टरी का कोर्स करना है, तुसी इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी तरह का कम्युनिटीज का सब्जेक्ट पढ़े हो, नीड नॉट टू बी वरीड। हाँ तुसी बाहर जाना चाहते हो, अमरीका जाके 2 नंबर से रहना चाहते हो, उसे ट्रक चलाना वा, डोंट कॉल अस। साडे नाल सिर्फ और सिर्फ उही बच्चा संपर्क करे जिहदे कोई ड्रीम ने, जिहड़ा जिंदगी च कामयाब होना चाहता है। जिहड़े लोगों को यही नहीं पता अमरीका च करना की जाके, उन्होंने प्लीज़ अवॉयड करो सानू, असी नहीं तुहाडा वीज़ा लै सकते। जिस बच्चे दे कोई ड्रीम ने, जिहदे माँ बाप दे कोई ख्वाब ने, कोई नहीं, घट पैसे है, घट पैसे ना भेज देंगे, सस्ती कॉलेज सस्ती यूनीवर्सिटी भेज देंगे। अज 5,000 यूनीवर्सिटियां वै अमरीका च, पता तुहानू? पैरलरली आस्ट्रेलिया भी चलता, आस्ट्रेलिया दी किन्नियां यूनीवर्सिटियां? 42। अमरीका दी किन्नियां? 90। इंग्लैंड दी किन्नियां? 200। लड़ाई किहदे नाल है? 5,000 वाले नाल। कंपीटीशन किहदे नाल? 5,000। US दे अंदर 50 स्टेट्स ने। तुसी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, हूस्टन, किसी भी शहर च जाना, जिथे भी कोई तुहाडा रिश्तेदार भैन भरा रहिंदा, असी 5 किलोमीटर दे अंदर तुहाडा दाखला करा के देंगे। असी ऑलरेडी बच्चों भेजिया होया, साडे कोल इक रिसर्च वर्क है, असी वीज़े तक तुहानू लैके जावांगे। तुहाडा 2-4 वारी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया किसी भी कंट्री तो, हो गया अज तुहाडे कोल हल ही नहीं कोई, लै लो थोड़े जे बैंड लै लो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो, वीज़े की जिम्मेवारी मेरे ते छड्ड दिओ। वीज़ा अंबैसी कर देजूगी जे तुसी लायक होवोगे। जे दिमाग च यही फसिया ना कि बार्डर टप के जाना, दिहाड़ियां लानियां, कुछ नहीं बनना तुहाडा, सारी जिंदगी तुसी उत्थे ही रह जाना। पढ़ाई तौर पर जाओगे, चंगी नौकरी मिलेगी, चंगी नौकरी मिलेगी, ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा, पक्के भी हो जाओगे। अगले 2 घंटे वास्ते इस नंबर के उत्ते कॉल करो, मिलो सानू आके दफ्तर, काउंसलिंग करांगे, तुहाडी प्रॉपर करियर काउंसलिंग होएगी। 2-4 महीने लगनगे तुहाडे वीज़े नू, हाँ वीज़े तक जरूर पहुँचावांगे। दुनिया च सब तो औखा वीज़ा होंदा अमरीका दा, तुहानू सारा रिजल्ट लैके देंगे। सिर्फ तुहाडे कोलों की चाहिए सानू? तुसी चंगी अंग्रेजी बोल लेंदे हो, पढ़ाई छड्डिया तुहानू 5-7 साल हो गए, नंबर तुहाडे आए नहीं, ड्रॉप आउट हो, तुहाडियां सप्लियां नहीं क्लीयर हो रही, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 कॉलेज यूनिवर्सिटियां ने, बहुत होंगे है। किदा वीज़ा लेना वा? विल गिव यू सोल्यूशन। 2-4-5 बारी रिफ्यूज़ हो चुके हो, नंबर नहीं आ रहे, मायूस हो, पैसे नहीं है शो करन ली, GIC नहीं भरना चाहते, पैसे बजट घट है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते पढ़ने वास्ते। अज तुसी कनेडा जाना, कनेडा जाने लई पहला उत्थे बैंक च पैसे जमा कराने पैंदे आ, चंगी सिक्ख्या लई कनेडा च दाखला ही नहीं हुंदा, यूनिवर्सिटियां कोल सीटां ही नहीं हुंदियां,
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 70% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ 40% ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।